ये बर्लिन की दीवार दिख रही थी। जर्मनी के लोग समझदार थे जिन्होंने इस दीवार को ढा दिया। देश में भी एक दीवार खींची गई है, ऊंच नीच की, बड़े जात छोटे जात की, हिंदू मुसलमान की, और ये ऐसी दीवार है जो दिख नहीं रही, ये दिखेगा। जब आपके ऊपर शिक्षा का चश्मा चढ़ेगा ना, तो ये दीवार दिखेगा, और फिर इस दीवार को ढा दिया जाएगा, फिर भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भयानक ठंड पड़ी, इतनी भयानक ठंड पड़ी कि रूस जर्मनी की सेना बंदूक लेके जम गई थी। रूस की सेना आती थी, बंदूक उठाती थी, आंख नीचे करती थी, मर गए हो, बंद करके मरो, सोच रहा तो नहीं। सेना हिटलर अपने घर के सामने से इधर से देख रहा था, तो रूस की फौज, ब्रिटेन की फौज, फ्रांस की फौज, अमेरिका की फौज चारों ओर से घिर गया था। इंजेक्शन में पेट्रोल लेके नसों में डाल देता है, अंदर पूरा जलन करेगा, उसको समझे में नहीं आएगा दर्द कहां से करा, पूरा ब्लड फ्लो होगा। मिल गया कुर्क्स, मॉस्को के नीचे सर कुर्क्स मिल गया। कुर्क्स ही वो जगह है जहां पर जर्मनी की सेना पहुंच चुकी थी। जर्मनी की सेना कहां एंट्री मारी थी आपको पता है? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो जर्मनी ने कहा पोलैंड को रख लो, या जैसे रूस आया कहां पर? पोलैंड पे। जर्मनी ने हमला कर दिया किस पे? पोलैंड। या रूस को मारते हुए ये जर्मनी यहां से एस्टोनिया के एरिया से बेलारूस से मारते हुए कहां? मॉस्को है तो कहां तक पहुंचा था? कुर्स तक। और कुर्स पहुंचने के बाद मॉस्को सोचिए वहां से कितना पास है, बहुत पास है। मतलब उसको पूरी प्लानिंग थी कि 15 दिन के अंदर अंदर हम कहां पहुंच जाएंगे? मॉस्को। मतलब कुर्क से मॉस्को बस 15 दिन में पहुंच जाता हूं। लेकिन यहां पर रूस ने एक चाल चल दिया। रूस ने अपनी सेना को कहा न लड़ो न पीछे हटो, उलझा के रखो, क्योंकि एक महीना बाद सर्दियों के दिन चालू हो जाते और रूस जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास है। ससुरा उत्तरी ध्रुव पूरा बर्फ से जमा रहता है। और रूस की एक और खराबी, ऊपर में कोई पहाड़े नहीं है, यही ना है वो स्कैंडिनेवियाई पर्वत जो ठंडी हवाओं को रोक देता है, और यहां कोई पर्वत नहीं है। ठंडी हवाएं जब चलना चालू करती हैं तो उसका टेम्परेचर होता है -40 डिग्री। कितना डिग्री? माइनस। और यही गलती हो गई जर्मनी से। इसीलिए कहते हैं नक्शा का क्लास करो, अगर किया रहता तो उसको पता रहता कि यहाँ पर्वत नहीं है, ठंडा भयानक पड़ेगा, कैंसिल कर देता, कंबल उम्बल लेके भेजता, नॉर्मल ऐसे भेज दिया और उधर से चला आया ठंडी हवाएं। और रूस की सेना ने गुरिल्ला युद्ध में 2 गोली मार के भाग जाती थी, गढ़ा खोद के नीचे बम लगा के भाग जाती थी। एगो भड़का तो डर हो जाएगा ना भाई, बस उनका काम था डीले करना। 1.5 महीना डीले किया। इतनी भयानक ठंड पड़ी, इतनी भयानक ठंड पड़ी कि रूस जर्मनी की सेना बंदूक लेके जम गई थी। रूस की सेना आती थी, बंदूक उठाती थी, आंख नीचे करती थी, मर गए बंद करके मरो, सोच रहा तो नहीं, फिर खोल लेता था। लाश एक बार जिस डिजाइन में मरा उसी डिजाइन में मरेगा, समझ में आ गया कि नहीं? और कोई कुर्सी पे बैठ के मर लेना तो वहीं ना उसको फिर ले जाना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? आगे सारा चीज नस उस टाइट हो जाता है ना, काम नहीं करेगा कुछ। ऐसे मर गया कोई, 1 घंटा छोड़ दीजिएगा तो फिर खड़े ऐसे ही उठेगा, समझ में आ गया कि खड़े ऐसे कमर उमर नहीं घूमेगा बेचारा। रूस की जर्मनी की पूरी सेना जम गई, जर्मनी आग बबूला हो गया, माई आर्मी इज फ्रोजन। अंग्रेजी अंग्रेज सब घुसी आता है सो तो अंग्रेजी बोलता है, फ्रोजन माने जम गया। अब जर्मनी घुसी आ गया, टैंक भेजा तो टैंक का जो फ्यूल था ईंधन वो भी जम गया, जहाज भेजा भी जम गया बेचारा का। ऐसे को कहा जाता है करमफोर। पूरी सेना उसकी जम गई है। तो उसने नौसेना को लगाया कि जाओ नौसेना मार के आओ इसको। तो जब नौसेना इधर जा रही थी ना तो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड मार दिया सो नौसेना को, जा रास्ते में तबाह हो गया। अब जो जर्मनी की पूरी फौज थी वो घिर चुकी थी। जर्मनी ने मदद मांगने के लिए कहा था जापान को, जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया। अब इधर से अमेरिका जो था वो आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिका का पर्ल हार्बर जापान मार के उड़ा दिया था। अमेरिका आ गया, कहा कि छोड़ेंगे नहीं चट्टा सबको। इधर इंग्लैंड पिटाया था किससे? जर्मनी से। फ्रांस पिटाया था जर्मनी, जर्मनी से तो इस अपने डराइल था सब। इसके पीछे आ गया अमेरिका यूएसए, तो इन सब का हिम्मत बढ़ गया, हमेशा कुत्ता झुंड में लड़ाई करता है सब, आगे समझे? हाँ सुन लेगा तो क्या कर लेगा? हाँ
पूछेगा ना खान साहब आप ऐसा बोले थे क्या, हम कहें आपको कंफ्यूजन है क्या, हम बोले ही थे। समझ में आ गई ना, किसी को अगर बुरा लगने वाली बात होती है तो हम पहले ही बोल देते हैं कि हो सकता है आपको बुरा लगे, एक्चुअली बुरा लगने के लिए बोल रहे हैं। देखिए ये सब ग्रुप बना लिया सब, आई ग्रुप बना के कहा सब कि देखो जर्मनी की नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स जम चुकी है, आर्मी खत्म हो चुकी है, और उधर से बिखियाइल है रूस, तो इधर से कौन आ रहा था, रूस। जर्मनी इधर क्या हो चुका था, घिर चुका था, अब बीच में जर्मनी, अब धीरे धीरे इधर से बढ़ना चालू किया कौन, रूस, रूस की सेना इधर से बढ़ना चालू की, और इधर से फ्रांस, इधर से ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका, ये चारों ओर से घूमना चालू किया, इधर से जर्मनी घिरते गया घिरते गया घिरते गया घिरते, एक समय ऐसा आया कि जर्मनी की सेना हिटलर अपने घर के सामने से इधर से देख रहा था, तो रूस की फौज, ब्रिटेन की फौज, फ्रांस की फौज, अमेरिका की फौज, चारों ओर से घिर गया था। कहा कि ससुरा ई का हो गया तब, तो उसने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन को बुलाया, ब्याह किया, सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध ब्याह करेंगे, उसी समय माने पत्नी ही थी उसकी, तो एगो का ब्याह करते हैं, सुसाइड करने के लिए जहर खाया, फिर गोली मारा, जहर भी खाया और गोली भी मारा, क्योंकि पता था कि अगर बच गया तो वो मौत मारेगा सब ना हिटलर को, जिसका कोई हद नहीं, पत्नी को भी मारा धाएं कई, गुड नाइट गुड नाइट कहते बकलिया करी, उसको काहे मारा, देख रहे हो इस सबको। करिए कि उसको छोड़ देता, उसको क्यों मारा, हाँ वो कुछ थोड़ी न की थी, अरे सोचो मार के उसके ऊपर एहसान किया, नहीं तो वो मार मारते सब ना उन लोग से, इतना मार मारते सब, आपका घर कोई तूर देगा तो आप उसको छोड़िएगा, इसे सुरा देश तूर दिया था। शी जिनपिंग भारत पे हमला करेगा, उसका मेहरारू पकड़ा जाएगी तो छोड़ देगा आदमी, मार के धुआं उड़ा देगा उनका यहां। नहीं समझे, अजब टाइप का सोचती है सब। शी जिनपिंग अगर भारत पे हमला कर दे और उसके बाद अगर चल जाए आदमी और पकड़ा गया छूट जाएगा, यहाँ लिया के आदमी कपड़ा ना धोवाएगा, हाथ पे बैठा के मार मार के एकदम हालत खराब कर देगा। यहाँ पर सबको पता है युद्ध बंदियों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं होता है, युद्ध बंदी बहुत बुरी तरह हाल कर दिया जाता है वहां पे, बहुत बुरा, तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करता है सर, इंजेक्शन में पेट्रोल लेके नशों में डाल देता है सर, अंदर पूरा जलन करेगा, उसको समझे में नहीं आएगा दर्द कहाँ से करा, पूरा ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे, समझ में, जैसे आपको धूप में कैसे चिलचिलाहट होती है, सोचिए अगर वैसे ही चुनचुनाहट अंदर होने लगे तो कैसा लगेगा, कड़कड़ाती धूप में 5 मिनट के लिए आप जाते हैं तो बेचैनी हो जाता है, उस ससुर अंदर इंजेक्शन में डाल देता है सर केमिकल, आप हाथ जोड़ के कहिएगा मार दो, बहुत बुरा हाल होता है, तो देखा कि बहुत बुरा मारेगा समय आप पे, तो अपनी पत्नी को ही मार दिया, आई सब सोच रही है काहे मारा। आगे बढ़े करिए तो उसकी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, गेहूं के साथ घुन पिसाता है पता है ना। आगे बढ़े, चलिए ध्यान सर, पाउडर छिड़क लेंगे चुनचुनाहट होगा, डर्मी कूल, हाँ फाकना तुम डर्मी कूल फाक लेना। अब बताइए ये जर्मनी जो था, इस जर्मनी का विभाजन हो गया, इधर का जर्मनी रख लिया रूस और इधर का जर्मनी रख लिया अमेरिका फ्रांस, ही सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और बीच में एक दीवार उठा दी गई, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार, एक देश का इतना विभाजन हुआ। 1989 जब आया तो लोगों ने बर्लिन की दीवार को ढा दिया, कहा कि ना हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन होगा, ना फ्रांस का, ना रूस का, ना अमेरिका का, हम जर्मनी वाले स्वतंत्र रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बर्लिन की दीवार दिख रही थी, जर्मनी के लोग समझदार थे जिन्होंने इस दीवार को ढा दिया, देश में भी एक दीवार खींची गई है, ऊंच नीच की, बड़े जात छोटे जात की, हिंदू मुसलमान की, और ये ऐसी दीवार है जो दिख नहीं रही, ये दिखेगा जब आपके ऊपर शिक्षा का चश्मा चढ़ेगा ना, तो ये दीवार दिखेगा, और फिर इस दीवार को ढा दिया जाएगा, फिर भारत को सेने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी बर्बादी के बावजूद प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हारा, हिटलर की वजह से जर्मनी को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा, इन सब के बावजूद जर्मनी का विकास तभी संभव हुआ जब वो जर्मनी की बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, यह दीवार भी बहुत जल्दी गिराई जाएगी। यही रीजन है कि कभी भी कोई भी देखिएगा नेता मंत्री शिक्षा की बात नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको शिक्षा दे दिए ना तो फिर ये हमारी बात नहीं सुने,
कभी ना सुनने वाला है वहां पर, आप सुनिएगा किसी का। अब भाई गांव में दिखेगा अनपढ़ आदमी को, अगर कोई नेता चल जाएगा, मालिक अरे मालिक अरे मालिक ससुरा तो नहीं मालिक। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर कभी झुके थे किसी के आगे? कोई झुकाते उनको दलित के नाम पर? बढ़िया बढ़िया लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा होते थे जब संविधान सभा में भाषण देना चालू करते थे, तो बढ़िया बढ़िया इंसान संविधान सभा में बी एन राव ही थे जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे पूरी संविधान सभा में। इतनी उनकी काबिलियत थी कि गलत भी बोल देते थे लोग सही समझ जाते थे, हिम्मत नहीं करती थी ना लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछने की। केवल बी एन राय जो थे संविधान सलाहकार जो उनके बराबरी आते थे, ज्यादा नहीं बराबरी आते थे, वरना वह व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के दम पर। आज भी अगर शिक्षित हो जाए लोग तो कभी कोई किसी को नहीं रोक सकता। गिरेगी यह दीवाल लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग होंगे उस दीवाल को गिराने वाले योद्धा। समझ में ना? लोग हमसे कहते हैं कि सर फीस बड़ी कम रखते हैं, इतना कहे रखते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, जब यह दीवाल गिरेगी ना तब याद आएगा कि यह जो फीस नहीं था यह एक सेना तैयार हो रही थी। आई नेतवन सबको बहुत तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा लूटा है सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, बर्लिन की दीवार नहीं गिरी रहती, जर्मनी इतना आगे गया रहता? नहीं। आपको क्या लगता है हम लोग ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम में फंसे रहेंगे तो होगा? नहीं। आजादी की लड़ाई में हम जाति और धर्म देख के लड़ रहे थे, हाँ, सब हिंदुस्तानी के नाम पे लड़ रहे थे। जब तक हम लोग एक रहेंगे तब तक ही हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज में बहुत दिक्कत आएगा यहाँ।